नमस्कार, जन जन की आवाज लेकर जीएन भारत फिर से एक बार ईडी कार्यालय पहुंच गया है। वैसे ईडी में कुछ भी घटनाएं हो रही है तो सबसे पहले खबर आपको जीएन भारत दे रहा है। इसके साथ ही अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है, जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये है कि अभिषेक झा से लगातार पूछताछ हो ही रही है, पसीने छूट रहे हैं जब से नए डिप्टी डायरेक्टर ऋषिकेश पांडे आए हैं। लेकिन अब जो नई खबर सामने निकल के सामने आ रही है कि पूजा सिंघल को जेल में मन नहीं लग रहा है और मैडम बहुत जल्द जेल से बाहर निकलना चाहती है, बहुत उतावली है। जी हाँ, और ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके पास जो महिला कर्मी है जो उनकी सेवा में लगी रहती है दिन रात मैडम की, उनसे भी बार बार कह रही कि उन्हें बाहर जाना है, अपने बच्चों से मिलना है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनकी याद आ रही है मुझे। और इसके साथ ही उन्होंने जो है वो बेल पिटीशन दायर की है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार उनकी पेशी हो रही है। ये ईडी के जो विशेष न्यायाधीश है प्रभात कुमार, उनकी अदालत में इनकी पेशी चल रही है और इन्होंने बेल के लिए पिटीशन दाखिल भी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये इस महीने के अंत तक चार्जशीट दायर कर सकती है ईडी, और ये चार्जशीट सिर्फ पूजा सिंघल के खिलाफ ही नहीं बल्कि सीएस सुमन कुमार के खिलाफ भी होगा। आपको बताते चले कि सीएस सुमन कुमार ने साफ तौर पर पूजा सिंघल का नाम लिया था, आईएएस ऑफिसर का नाम लिया था और कहा था कि हाँ, पैसे की लेन देन में उनकी भी भूमिका रही है, कहीं ना कहीं ये जो 19 करोड़ है इसमें भागीदारी है उनकी, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कबूल किया था। और इसलिए उनके कबूलनामा बहुत बड़ा पॉइंट क्रिएट किया और अभी तक वो जेल में है और इस वजह से पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया गया और वो भी फिलहाल जेल में ही है। आपको बताते चले कि पूजा सिंघल के बारे में एक और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि वो फिलहाल जेल में भगवत गीता और योगी परमानंद नित्यानंद जैसे जो बायोग्राफी पढ़ रही है इस सारे बड़े बड़े संत महात्माओं का। वैसे ये अच्छी बात है कि इंसान गिरता है तो उन्हें अगर भगवत गीता याद आता है, फिर बड़े बड़े योगियों और संत महात्मा का अगर शरण याद आता है तो ये बहुत पॉजिटिव नोट है। वो लाइब्रेरी से लगातार बुक ले रही है, उन जो आपको बता दें कि वो फिलहाल स्पेशल एरिया में है जहाँ पे वीआईपी को रखा जाता है, तो अपर डिवीजन सेल जिसे कहा जाता है वहाँ पे उनको पैसे कुछ महुए कुछ रखने की इजाज़त दी जाती है, वहाँ से वो लाइब्रेरी से किताबें ले सकती है, खरीदने को खाना मिल सकता है उनको। तो लाइब्रेरी का आई थिंक वो बहुत भरपूर, चूंकि वो आईएएस रह चुकी, पढ़ने की बहुत शुरू से शौकीन रही थी आईएएस पूजा सिंघल, काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, शुरू से टॉपर रही है, बचपन से लेकर यूपीएससी तक उन्होंने अपना जो है वो तमगा लहराया है, अपना पर्चा लहराया है, टॉपर रही है। तो कहीं ना कहीं आज लाइब्रेरी जो जेल का है उनको बहुत आकर्षित कर रहा है और एक से एक बायोग्राफी बुक वो निकाल के पढ़ती नजर आ रही है। कभी वो भगवत गीता पढ़ती है तो कभी बड़े बड़े जो अल्बर्ट आइंस्टाइन इन सब की कुछ किताबें पढ़ती है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में वो अपना मन लगा रही है, अपना मन को रिझाने के लिए। लेकिन इसके बाद सुनने में आता है कि आजकल बहुत गुमसुम है और बेल के लिए काफ़ी उतावली नजर आ रही है और उनके पति अभिषेक झा खुद बेल के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद फिलहाल ईडी यानी ऋषिकेश पांडे के शिकंजे में ऐसे फंसे हुए हैं और आज भी अभी ईडी कार्यालय के अंदर उनसे पूछताछ चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ नया निकल के सामने आता है। जो भी नया निकल के सामने आता है जीएन भारत सबसे पहले आपको पहुंचाने के लिए तत्पर रहेगा। नमस्कार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।